कभी बीमारी की हालत में, शदीद बुखार की हालत में मस्जिद को जा नहीं सकते हैं, तो साहबा को कहते हैं कि साहबा मुझे अपने गर्दनों पे लो, इधर एक दो साहबी, इधर एक दो साहबी, उनके गर्दन पे हाथ रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की तरफ जाते, साहबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने नहीं आ रहा था, अल्लाह के नबी की जो एड़ियां थी ना वो घिस रही थी जमीन पर, लेकिन अल्लाह के नबी ने नमाजों को नहीं छोड़ा, नमाज को नहीं छोड़ा। आज हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई अगर मेहमान आ जाए, या फिर हमारे पास कोई एक इवेंट हो जाए, या हम खाली भी हो तब भी हमारी आज हमारी नमाजों की आज हमको फिक्र नहीं होती। आखिरी दिन तक भी अल्लाह के नबी ने अपनी नमाजों की हिफाजत की। आज हमारी नमाजों का क्या मामला है देख लीजिए, चाहे कुछ भी, अगर हम मुसलमान है ना तो हमारे पर लाजिम है हमारी नमाजों की हिफाजत करने वाले बने। अगर हमारी नमाजों की हिफाजत नहीं करने वाले हैं ना, तो सोच लीजिए कल कयामत के दिन में वो जन्नत की वो बहश्त में मैं और आप नहीं जाने वाले। अल्लाह हिफाजत करे ऐसे लोगों से, मेरी और आपकी, हम सब की, हमारी नस्लों की अल्लाह हिफाजत करे, हमारी नमाजों की अल्लाह को हिफाजत करने वाले बना दे, और वैसी नमाज पढ़ने वाले बना दे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको पढ़ने का हुक्म दिया। आमीन। अब यहाँ पर